बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको गोश्त पुलाव बनाना सिखाऊंगी। चावल 1.5 किलो हैं, इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। अब 1.5 किलो गोश्त को मैंने उबाल लिया है। अब सबसे पहले पतीले मैंने ऑयल शामिल किया है। अब मैं आलू गोश्त तैयार करूँगी, इसलिए मैंने ये प्याज शामिल किए हैं और मैं प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज थोड़े से जब फ्राई हुए हैं फिर मैंने सब्ज मिर्च शामिल कर दी हैं, 4 अदद सब्ज मिर्च हैं। अब मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच, 2 चम्मच और 1/3 चम्मच। 2 बड़े टमाटर थे, धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मसाला भून चुका है, अब मैं आलू शामिल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। आलू शामिल किए, इनको थोड़ा भून के अब मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। ये बॉयल हुआ वो गोश्त शामिल किया मैंने। अब हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है, अब मैं पुलाव रेडी करूँगी। अब पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले पतीले मैंने ऑयल शामिल किया है। अब मैं प्याज शामिल करूँगी, प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई करके अब मैंने टमाटर शामिल किए हैं। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं बम्बई बिरयानी मसाला पानी में घोल कर शामिल करूँगी। मैंने चावल शामिल कर दिए हैं, अब मैं गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसे दम पे रखूँगी। माशाल्लाह से चावल तैयार हो गए हैं, अब मैं प्लेट में सर्व करूँगी और आपको दिखाऊँगी। माशाल्लाह से हमारा गोश्त पुलाव तैयार हो गया है और अब मैं इसके ऊपर गोश्त शामिल कर रही हूँ, गोश्त आलू। रायते के साथ सर्व करें। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।